भाई भाई बनाया। और तुम में से कौन है जो अपनी काबिल उम्र का हिस्सा दूसरे भाई को दे दे? अब ये इल्म वाली बात नहीं है, ये अमन वाली बात है, ये अब किरदार से मुतालिक होगा। ये तुमका सत्य हो या नहीं? और मैंने अर्ज किया कि मलक ने मासूमाना जवाब दिया कि नहीं, हमारी तो तमन्ना है कि पूरी उम्र तेरी तस्वीर और तकदीस में गुजारे। इसे मुजमलन तो कहा था, इस वक्त उसका इल्म को साफ कर दूं कि ये मलक का तसव्वुर इबादत इंफिरादी है। वो बस रुकू को इबादत समझता है, वो बस सज्जे को इबादत समझता है, वो बस क्यामो को तस्वीर और तकदीस को इबादत समझता है। इसी को वहां ने भी पेश किया था कि हम तेरी तस्वीर और तकदीस करते हैं, इसी इबादत को वो इबादत समझता है। और ये सब कालक के पूछने थे कि दूसरी उम्र अपनी उम्र फाजिल दूसरे को दे दो, वही उसका नजरिया का फरमा है इंफिरादी इबादत वाला। हमारी तमन्ना है कि तेरी इबादत करें। इसका मतलब यह कि यानी दूसरे को उम्र का देना वो मुनाफी है इबादत समझता है। और अब अल्लाह ने जो कहा कि जमीन की तरफ देखो, अब समझ में आया कि नहीं कोई इबादत ऐसी है जो मेरे इंफिरादी इबादत से बाला करे। और आपको समझा कि वो इबादत में नहीं कर सकता, तो आप अमल की बन नहीं है इबादत पर जो इंसान कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। इल्म में बुलंदी आदम से साबित हुई थी, अमल में बुलंदी फख्र आदम। जैसा आज का पिता के नजरिए मलक में मुस्तकिल करनी हो गई, वो समझा कि हाँ दूसरे के काम आना भी इबादत है। और इसलिए उसी वक्त आ गया कि जाओ जमीन पर इसकी हिफाजत करो। अब नहीं कहा कि इन्हें इबादत छोड़ना, समझा नहीं ये भी इबादत है, लिहाजा बिला उजर आ गया। और हमेशा तस्वीरों का फीस उसकी करता था, इसकी तारीफ से करने फिदाकारी की मंजिल मारी ये वो है जो इबादत है मलक से बाला कर। और अब इस वक्त ये अली है जो बिस्तर पर रसूल की सोकर फिदाकारी की मंजिल अंजाम दे रहे हैं। वो दुनिया जो कपट तलवार के जिहाद को जिहाद समझती, वो इस पहलू पर गौर करे कि कितने मारे के सर किए तलवार से, बदर के जिहाद, मुहद का जिहाद, खंदक का जिहाद, खैबर का जिहाद, मगर उन जिहादों में किसी वक्त मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ने कफर किया। लेकिन ये जिहाद खामोश, ये जो बिस्तर रसूल पर सो के जिहाद था, ये सुकून का जिहाद, ये सुकून का जिहाद, ये इतना ऊंचा था कि खालिक फख्र कर रहा था। और फिर इसका फल के दलील ये कौफियत बटर बना कि देखो ऐसे भी होते हैं। दुनिया जिहाद खामोश की कीमत नहीं समझती है, इसलिए कहती है कि वो भला क्यों पाते हैं,
मैं कहता हूँ कि हजरत इमाम अलैहिस्सलाम तो दुनिया ने सिर्फ एक दिन के कारनामे से पहचाना है और समझती है कि हुसैन ना बस वो 61 के 10 मुहर्रम वाली पड़ता है। मैं कहता हूँ कि वो 57 बरस की उम्र करीब थी तो 57 बरस में हर दिन होता है। क्या वो बस एक ही दिन हुसैन थे? वो एक दिन कम 57 बरस में शख्सियत तो सब में वही थी। तो अल रहमान का जिहाद था, अल रहमान का जिहाद था, और मैं ये समझता कि कौन वक्त उसके इतिहास का अफसल था वो बस सरकारी जानता है कि कौन दिन उनका उसकी नजर वो जिहाद था। अब हमने जो आकर का जिहाद है अब उसके पहलू हमारे सामने, और इसलिए इस जिहाद के जो मुनफरिद खसूसियत है वो ये नहीं है कि तलवार लेकर, अगर इसे अपना बाबा कारनामा समझता जो तलवार के जहाज है तो याद रखिए खैर में भजन नफूस सब पक करते हैं। जो कारनामा के बारे में मसायब है मगर मेरे यहाँ दिमाग के तकाजों का मुतालबा मसायब में भी रहता है। मैं कहता हूँ उसूल है कि खैर की तरफ सब पक कामिल अपराध करते हैं। पुराने सारे कोने न बोलू तो अगर तलवार वाला जिहाद अफजल नुक्ते जिहाद होता तो मौला की बुलंदी इसमें थी कि सबसे पहले और सबसे पहले उस जिहाद को अंजाम दे। मगर उस जिहाद की मंजिल उसमें हुसैन पीछे रहे और दूसरे आगे हो जाए। अब मेरे कहने के बाद गौर कीजिए कि आपका जमीर ईमानी इसे सही समझता है। इसके मानिए कि जो पहले गए वो अफजल हो गए, जो बाद में रहा वो गोया पीछे रहा। तो अब तो मेरे कहने के बाद आपके पीछे किसी का भी अल्हम्दुलिल्लाह जमीर इससे मुत्तफिक नहीं हो सकता। तो आप समझ में आया तो तलवार लेकर जिहाद ही जिहाद अफजल नहीं है बल्कि कुछ और बातें हैं वो ऐसी होती हैं जो इतिहास से बाला कर। और मैं तो समझता हूँ कि मौला के लिए बहुत आसान था कि सबसे पहले जाते मैदान और सबसे पहले अपनी कुर्बानी पेश कर देते। उस वक्त तो वो फिर मैं उस वक्त भी शहीद मानता मगर मंदिर कुर्बानी में वो यही अपने जकरिया से आगे ना होते। यहिया ने भी राह हक में सर कलम करा दिया था, इन्होंने भी राह हक में सर कलम करा दिया। तो इनकी मंदिर कुर्बानी यहिया जनाबे यहिया से आगे ना होती। तो मौला का कारनामा ये नहीं है कि जान दे दिया है पता। मौला का कारनामा ये है कि जब तक एक भी रहा खुद जान नहीं थी इसको जान बताए जो मेरी जबान से लगवाए मेरी जबान से सुन चुके होंगे मुमकिन है बहुत दरबार के करबला में मरना उतना मुश्किल न था जितना जीना।